नमस्कार। आज जो दुनिया की परिस्थिति है और जो दुनिया का वातावरण है, चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए त्राही त्राही मची हुई है। आज इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में सब कोई चाहता है उसके आसपास ग्रीनिंग हो। तो नर्सरी का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो आज के दिन काफ़ी रिलेवेंट हो चुका है। इससे इसके प्लांट्स जो बनेंगे वो शहरों में उसकी अच्छी डिमांड है। तो नर्सरी का व्यवसाय कोई भी किसान भाई कर सकता है, बहुत सहज है। आइए अब थोड़ा नर्सरी के बारे में भी देखें, नर्सरी के बारे में भी जानें। अब यह है नर्सरी, छोटे प्लांट्स की नर्सरी। प्लांट्स जो भी बड़े होते हैं वो छोटे से ही होते हैं, और जिस तरीके से नर्सरी का मतलब होता है बच्चों के लिए, जहाँ पर नर्स किया जाता है, तो उसी तरीके से नर्सरी का मतलब है छोटे प्लांट्स को नर्स करके बड़ा करना। अब यहाँ पे बहुत तरह के प्लांट्स हैं। अब जैसे ये है, इसको केरला ग्रास बोलते हैं। ये सब जो हैं, ये सब मेनली काम आते हैं ग्राउंड कवर के हिसाब से, हेज बनाने के हिसाब से, बुश बनाने के हिसाब से, श्रब्स बनाने के हिसाब से, हैंगिंग पॉट्स बनाने के हिसाब से। अब जैसे ये है ड्रेसिना, ये जो है हेज बनाने के लिए, बड़ी बड़ी हेज बनाने के लिए, साइड का बैरियर बनाने के लिए अच्छा है। तो इसको लैंडस्केपर्स बहुत खरीदते हैं। इसी तरीके से ये भी है ड्रेसिना लॉन्गिफोलिया, इसकी भी बहुत डिमांड है। अब ये है आइपोमिया, ये छोटे छोटे बैग में तैयार किया गया है, और ये बैग 1000 रुपये में 10000 मिल जाते हैं। इसमें इतनी सी मिट्टी लगती है और कटिंग करके डाल दिया, डालने के बाद इसमें पानी दे करके शेड नेट में लगा दिया। तो इसके प्रोडक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मेन प्रॉब्लम है इसकी मार्केटिंग के लिए। तो किसान भाइयों को मार्केटिंग का ठीक पूरा स्टडी कर लेना पड़ेगा। इस तरीके से बहुत सारे प्लांट हैं। ये वडेलिया है, भृंगराज, और ये बहुत सुंदर ग्राउंड कवर है, और इसमें पीले रंग का छोटा छोटा फूल होता है, बहुत सुंदर लगता है। तो इसको क्रीप, ये बड़ा अच्छा प्लांट है, इसका क्रीपर भी बन सकता है, ग्राउंड कवर भी बन सकता है, और हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स हैं जो नर्सरी वाले छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, और इसके बाद इसको नर्सरी में बड़े नर्सरी वालों को बेच सकते हैं। एक एक प्लांट वो लोग 2-2 रुपये का बेच सकते हैं। इसमें लागत, अगर कैश लागत देखें तो कैश लागत तो 25-30 पैसा से ज़्यादा की नहीं आती है। बाकी मजूरी जो लगती है वो लगती है, अगर घर के किसान जो खाली बैठे हैं, खाली समय में ये सब करें, तो वो मजूरी का एक अच्छा, उस समय का एक अच्छी मजूरी बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसको बनाते हैं, किस तरीके से इसकी प्लांटिंग करते हैं। ये छोटे बैग में ये बनाया जा रहा है, ये मिट्टी है, इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट किया हुआ है, थोड़ा कोको पीट दिया हुआ है, जो कि ये मिट्टी हल्की रहे। एकदम कड़ी मिट्टी होने से मुश्किल है, क्योंकि उसमें फिर पानी का एरिएशन ठीक नहीं होता है। तो मिट्टी थोड़ी हल्की होनी चाहिए, थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए। इसमें हम लोग थोड़ा बालू मिला सकते हैं, थोड़ा कोको पीट मिला सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी तैयार करके इसमें जो है ये छोटे प्लांट, ये बड़े छोटे प्लांट को जो है डाल दिया, उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल करके इसको छाया में रखेंगे, और 3 हफ्ते में ये बड़ा स्टेबल हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग इसको मार्केट में बेच सकते हैं। ये कटिंग गेट है, इसमें टिप को डिप करके फिर जो है इसको लगा देते हैं। तो इसमें नीचे का पत्ता तोड़ लें तो ज़्यादा अच्छा है,
ज़्यादा पत्ते की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये नीचे के पत्ते हम लोग तोड़ करके इसको, इसमें क्या किया है कि हम लोग ने पहले से मट्टी भर के तैयार कर लिया है, और एक तरह का काम एक तरह से एक बार करने से जल्दी हो जाता है। तो पहले जो है सारा पैकेट लगा लिया, फिर उसमें मट्टी भर दिया। अब इसके बाद सारी कटिंग एक्शन करके सबको जो है कटिंग एड लगा दिया, और उसके बाद सबको एक संग लगा देंगे, और इसके बाद जो है हल्का सा पानी दे देंगे, फिर इसको छाया में रख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये नर्सरी प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अब हम लोग अगर चाहते हैं कि थोड़ा वैल्यू एडिशन हो, हम लोग थोड़े बड़े पॉट में ये सब को ट्रांसफ़र कर लें, तो हम लोग इसको ज़्यादा कीमत में बेच सकते हैं। अब जैसे ये छोटे प्लांट है, पेडिलेंथस नानू है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक पॉट में चार पांच लगा करके हम लोग इसको इस तरह का बना सकते हैं, और ये बाज़ार में 15 रुपए तक का बिक्री हो सकता है। तो मिट्टी के पॉट मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्लास्टिक के पॉट भी बहुत अच्छे हैं। प्लास्टिक के पॉट में फ़ायदा क्या है, एक तो ये टूटते नहीं हैं, दूसरा ये रिसाइकलेबल हैं। एक एक पॉट जो है 5 साल 7 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के छोटे पॉट में भी जो है बनाया जा सकता है, ये भी प्लास्टिक के पॉट हैं। तो इस तरीके से छोटे सीडलिंग बना सकते हैं, फिर कटिंग नहीं बीज से भी बना सकते हैं। बहुत पेड़ों के बीज होते हैं, तो बीज को प्लांट करके भी हम लोग जो हैं पौधा तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट्स जो हैं पाम हैं, और ये बीज से हुए हुए हैं। ये कोकोट्रेनेक्स स्पिसा। तो इस तरीके से बीज से, पाम तो सिर्फ बीज से ही होते हैं, पाम जो है कटिंग से नहीं होते हैं। प्रूनिंग और कोई मेथड नहीं है, पाम का सिर्फ एक ही मेथड है, वो है बीज। और बीज बहुत सहज से मिल जाता है, तो बीज को मिट्टी में डाल करके हम लोग उसको जर्मिनेट कर सकते हैं, और तो पाम का प्रोडक्शन करना बहुत सहज है। वाटर प्लांट्स यानी कि पानी में होने वाले प्लांट्स, उनकी भी बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, और उनको करना बड़ा मुश्किल भी नहीं है। अब ये है निम्फिया, इसको वाटर लिली बोलते हैं, इतने सुंदर रंग हैं। तो इसको जहाँ भी हमारा तालाब वगैरह हो, इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जैसे ये सब सुंदर बन के हैं, तो सुंदर बन के पेड़ सब जगह नहीं मिल सकते हैं, लेकिन ये सब कॉमन हैं, साइप्रस वगैरह ये सब कॉमन हैं, ये सब मिल सकते हैं। तो अपने पास जो वाटर बॉडी है, जो तालाब है, जो कनाल के किनारे का साइड है, उसमें इसको प्रोडक्शन करके पॉट में करके, ये सब सारे के सारे ये सब वाटर प्लांट हैं। ये कमल है, लोटस है, स्वॉर्ड प्लांट है, ये तो बड़े कॉमन हैं। इसको बंगला में होगला बोलते हैं, ये दूसरा इसको कचौड़ी पाना बोलते हैं, बहुत कॉमन है, लेकिन यहाँ पे बिक्री होता है। लेकिन बिक्री ऐसे नहीं होगा, इसको ठीक प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके इसको बिक्री करना पड़ेगा। ये देखिए कितना सुंदर लगता है। तो ये सब सारे ये वाटर प्लांट्स हैं, तो वाटर प्लांट्स का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो इस तरीके से आप लोग ने देखा किस तरीके से सहज रीति से आप एक नर्सरी की स्थापना कर सकते हैं। आशा करते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी, और आपके व्यावसायिक जीवन में एक नया एवेन्यू हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्ते।